कोरोना के कहर और बच्चों के वैक्सीनेशन अभियान के बीच मेडिकल पेशे से जुड़ी एक खबर जयपुर से। जयपुर मेडिकल एसोसिएशन की कार्यकारिणी के सदस्यों को आज शपथ दिलाई गई। सदैव अपने पद धूमिल नहीं होने दूंगा। जयपुर मेडिकल एसोसिएशन सभागार में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राजस्थान सरकार में मंत्री सुभाष गर्ग और महेश जोशी ने शिरकत की। राजस्थान सरकार के मंत्री महेश जोशी ने जयपुर मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर अनुराग धाकड़, एग्जीक्यूटिव मेंबर डॉक्टर अनुराग तोमर सहित सभी पदाधिकारियों को शपथ दिलवाई। शपथ ग्रहण के बाद डॉक्टर अनुराग तोमर ने चिकित्सक साथियों का समर्थन करने के लिए आभार जताया। डॉक्टर अनुराग तोमर ने कहा कि एसोसिएशन की बेहतरी के लिए जो भी कदम उठाने की जरूरत होगी वो जरूर करेंगे। जयपुर मेडिकल एसोसिएशन एक संगठन है जो डॉक्टरों का है, और इस संगठन में सारे चिकित्सक जयपुर के जुड़े हुए हैं, चाहे वो प्राइवेट हों चाहे सरकारी हों। एक बहुत बड़ा संगठन है ये, और अभी हमारी जो नई कार्यकारिणी चुनी गई है आज, जैसा कि मंत्री महोदय भी उपस्थित थे और मैं भी कार्यकारिणी सदस्य में एक इलेक्शन से चुना गया हूँ, और मैं विश्वास दिलाता हूँ जो डॉक्टर्स ने, हमारे सामान्य सदस्यों ने मुझ में विश्वास दिखाया है, मुझे चुना है एज अ कार्यकारिणी सदस्य, मैं उनको निराश नहीं होने दूंगा और जेएमए को और ऊंची बुलंदियों पर ले जाने की कोशिश करूंगा। मेरा आम जनता से, क्योंकि आपका चैनल है, आप जनता के बीच में आप पहुंचते हैं, तो मैं समझता हूं एक जनता तक पहुंचने का आपका चैनल एक माध्यम है। मैं जनता से यही निवेदन करूंगा कि डॉक्टर्स जो होते हैं वो अपने फील्ड में सब अच्छे से अच्छा कार्य करते हैं, अपनी जी जान लगाते हैं अपने प्रोफेशन में, मरीज की जान बचाने को, मरीज को सही करने को, लेकिन कभी कभी दुर्घटना हो जाती है। डॉक्टरों का कभी भी, डॉक्टर एक तरह के देखा जाए ऊपर से भगवान से मरीज को लड़के उसको ज़िंदगी देने की कोशिश करता है, पर अकस्मात कभी डॉक्टर हार भी जाता है भगवान के आगे, तो उस केस में मैं मरीज के परिवारजन जो गुस्सा हो जाते हैं, जो मरीज डॉक्टर को भला बुरा कहते हैं, उनसे सभी से निवेदन है, प्रार्थना है कि डॉक्टर अपनी तरफ से जी जान लगाता है, डॉक्टर पर आप विश्वास रखें, और अगर आपको डॉक्टर पर विश्वास नहीं है तो मेरी तो ये सलाह, आप दूसरा डॉक्टर ले लें, लेकिन जिस डॉक्टर पर विश्वास है आप उसी से इलाज करें। मैं इसे राष्ट्रीय दायित्व के रूप में ग्रहण करता हूं, और हमारी संस्था भी यही। आज हमारा राष्ट्र कोरोना के जिस संक्रमण से गुजर रहा है, उस समय विभिन्न चिकित्सकीय सोपानों पर समस्त चिकित्सकों, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के मध्य में एक सेतु स्थापित हो, एक सामंजस्य स्थापित हो, ताकि राष्ट्र हित के लिए हम सब एक ही आवाज़ पर, एक ही मंच पर एकत्र हो सकें, ऐसा प्रयास हम इस जयपुर मेडिकल एसोसिएशन के मंच के आधार पर कर रहे हैं। आपको बता दें डॉक्टर अनुराग तोमर निम्स अस्पताल में निदेशक भी हैं। इसके अलावा डॉक्टर अनुराग तोमर निम्स यूनिवर्सिटी में निदेशक का जिम्मा संभालते हैं। इस अवसर पर चिकित्सा के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने वाले डॉक्टरों को सम्मानित भी किया गया। जेएमए का शपथ ग्रहण समारोह है। जेएमए डॉक्टर्स की, प्राइवेट हो या सरकारी हो, सबकी सबसे बड़ी संस्था है और ये आईएमए का पार्ट है। तो जितने भी डॉक्टर्स की रिलेटेड एक्टिविटी है वो उस सब के लिए एकमात्र संस्था है जो कि जेएमए है, और जेएमए हमेशा सरकार के साथ, जब भी किसी चीज़ के लिए ज़रूरत पड़ी है डॉक्टर्स की, तो उसके लिए हमेशा आगे रही है। तो और समारोह बहुत ही भव्य था, माननीय दो मंत्री आए थे इसके अंदर, उन्होंने भी जेएमए की काफ़ी तारीफ करी थी, तो समारोह के अंदर काफ़ी बातें निकल के आई। इंस्टॉलेशन सेरेमनी थी हमारी जयपुर मेडिकल एसोसिएशन की, जो नव निर्वाचित अभी जो हमने किया है उसका शपथ ग्रहण समारोह था, और इसमें मैं आभार व्यक्त करूंगा, पीएचडी और भूजल मिनिस्टर डॉक्टर महेश जोशी जी आए, और डॉक्टर सुभाष गर्ग साहब आए, और वो मिनिस्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है, और हमारा ये जो कार्यक्रम रहा इसको हम आगे लेके जाएंगे। अब हम गतिविधियां शुरू करेंगे, इसमें खेलकूद, सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियां जयपुर मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से आयोजित होंगी। जो भी विषय ज्वलंत विषय हैं जो कि डॉक्टर समुदाय को कहीं ना कहीं कुछ परेशान कर रहे हैं, वो हम सरकार के सम्मुख रखेंगे, और सरकार से भी आग्रह करेंगे कि इसमें थोड़ी संवेदनशीलता रखते हुए उन मुद्दों को सॉर्ट आउट करें। जयपुर मेडिकल एसोसिएशन के चुनाव नवंबर महीने में हुए थे, 31 नवंबर को रिजल्ट आ गया था। अगले एक साल तक मौजूदा कार्यकारिणी का कार्यकाल रहेगा। कोरोना की तीसरी लहर को रोकने में डॉक्टरों की बिरादरी पर बड़ी जिम्मेदारी है। जयपुर से न्यूज़ इंडिया के लिए दीपक चावला की रिपोर्ट।